हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज का रेसिपी है समर स्पेशल और सबका फेवरेट बादाम कुल्फ़ी। इसके वास्ते यहाँ मैं 750 ml का तो 3 लीटर दूध लेती हूँ। इसे लो फ्लेम के ऊपर ऐसा गर्म कर लेते रहना। 1/4 पोर्शन का तो 1/2 लीटर 250 ml दूध बचे तक इसे गर्म कर लेते रहना। तब तक मिक्सी जार में जरे काजू, जरे बादाम, एक इलायची डाले को इसे पाउडर बनाना, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना नको। अब ये बनाए से पाउडर को दूध में डाल लेना। अभी 5 से 6 स्पून शक्कर डाल लेना। शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना। साइड्स में लगे सो मलाई को निकालते मिलाते रहना, कंटिन्यूसली चलाते रहना, नहीं तो नीचे से दाग लग जाता। अच्छा गाढ़ा होने देना ऐसा। अब फ्लेम को बंद कर डालना, भी पूरी तरह से ठंडा होने के वास्ते वेट करना। नहीं ठंडा हुए तक सब्र नहीं कर तो पानी में रख लेना बाउल को। ऐसा 5 मिनट के वास्ते रखे तो पूरी तरह से ठंडा हो जाता। ऐसा मिलाते रहना कंटिन्यू से। नीचे का पानी एक कदा गर्म हो गया तो पानी चेंज करके फिर को ठंडे पानी में रख सकते। ऐसा पूरा रूम टेम्परेचर आने के बाद मेरे कने यहाँ मोल्ड है, कुल्फी का मोल्ड, नहीं तो चिमनी का थोड़ा सा छोटा ग्लास में है तभी, नहीं तो प्लास्टिक कंटेनर में है तभी तुम्हें स्टोर कर सकते। बना को रखे सो बादाम काजू का पाउडर है ना, वो ज़रा डाल लेती हूँ मैं। उसके बाद ऐसा फिल कर लेना। अब इसे फ्रीज़र के अंदर 8 से 10 घंटे के वास्ते फ्रीज़र को हाई पर रख ले को से डिस्टर्ब करें सर का 8 से 10 घंटे तक रख डालना। हमें 10 घंटे रखी हूँ। उसके बाद ऐसा कुनकुने पानी में 1 मिनट के वास्ते रखी हूँ, नहीं तो 3 मिनट के वास्ते किचन प्लेटफॉर्म पर रख दा ले जा। उसके बाद ऐसा अच्छे तरह से आ गया तो बराबर है, नहीं तो फोर्क के मदद से कि स्पून के मदद से कि निकालने को सर्व कर सकते। और तज बन गया हमारा समर स्पेशल कुल्फी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।